ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, व्हाट इज़ अप। एंड आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बिकॉज आज हम मेकअप ही करने वाले हैं ऑफ कोर्स, बट नॉट विथ ब्रशेस। कोई भी ब्रश हम यूज़ नहीं करने वाले, इंस्टेंट हम एक यूज़ करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर। यस, फुल फेस मेकअप करेंगे बट विद अ ब्यूटी ब्लेंडर। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। सो द फर्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली फाउंडेशन, एंड फाउंडेशन के लिए टुडे आई एम गोना यूज दिस लैक्मे का फाउंडेशन। आई नो ये मेरे शेड से लाइट है, बट स्टिल वी आर गोना यूज दिस बिकॉज इसका एप्लीकेटर ही नहीं है, मतलब ये ऐसा ही है, तो आपको ऐसे करके लगाना पड़ेगा अपना फाउंडेशन। इसमें से फाउंडेशन लगाया एंड आई एम जस्ट गोना अप्लाई। ये फाउंडेशन लैक्मे का फाउंडेशन, ये बहुत ही आपको लो कवरेज देता है, एंड अगर आप शेड आपको एग्जैक्टली नहीं भी मिलता है, थोड़ा सा वाइट या फिर थोड़ा सा डार्क भी मिल गया ना, तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज ब्लेंड करने के बाद ये पूरा मिक्स हो ही जाएगा आपके फेस के साथ, सो नो वरीज एट ऑल। जो फर्स्ट स्टेप है फाउंडेशन, ये तो बहुत ईजी निकला बिकॉज ऑब्वियसली हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं ब्यूटी ब्लेंडर से, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट बाकी के जो स्टेप्स है उसमें मेरी बैंड बच जाने वाली है, आई नो, बट एनी वेज लेट्स डू इट। सो फाउंडेशन इज ऑल ब्लेंडेड एज यू गाइस कैन सी। नेक्स्ट स्टेप इज कंसीलर, या ऑफकोर्स। सो कंसीलर के लिए आई एम यूजिंग दिस 2-in-1 कंसीलर। ये मुझे जब मैंने इसको पहला लिया था ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बट अभी आई जस्ट लव दिस। भले ही शेड उतने अच्छे नहीं हैं, दिस इज सो वाइट, बट स्टिल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो अप्लाई कर लिया है एंड नेक्स्ट लेट्स जस्ट ब्लेंड इट। ऑल्सो आई फॉरगॉट टू टेल यू कि ब्लेंडर मैंने ये वाला यूज़ किया है विच इज़ ब्रोकन। एज यू गाइस कैन सी, अगर आपने मेरा मीशो हॉल देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि मुझे ये टूटा हुआ ही रिसीव हुआ, एंड आज के वीडियो के लिए मैंने सोचा कि यार तुम काम पे लग जाओ, बिकॉज पता नहीं क्या होगा आज के वीडियो में, सो मुझे अपना नॉर्मल अच्छा वाला ब्यूटी ब्लेंडर ख़राब नहीं करना था, सो आई डिसाइडेड टू यूज़ दिस। सो फार सो गुड। एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ कॉन्टोर ऑफकोर्स। सो आई जनरली डू नॉट कॉन्टोर, बट चैलेंजेस के टाइम में करना पड़ता है। थोड़ा सा फोरहेड पे लगा लेते हैं। ये फाउंडेशन का मेरे शेड का है, बिकॉज मैं जब भी उसको अप्लाई करती हूँ तो इट सीम्स लाइक कुछ अप्लाई ही नहीं हुआ है, सो वियर्ड। तो कॉन्टोर भी ठीक ही ठाक है, मतलब हाँ ब्लेंड किया जा सकता है इससे, ब्यूटी ब्लेंडर से। ऑल्सो गाइज, इतनी गर्मी में मुझे शूट करना पड़ रहा है, दैट इज़ मुझे फ़ैन भी ऑफ करके रखना पड़ रहा है, इतना मेहनत जा रहा है। तो अगर आपने मेरे चैनल को, या मम्मी खाना बना रही है, और क्या चाहिए मेरे वीडियो में यार, हर तरीके का शोर होता है। एनी वेज, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो। एनी वेज, दिस इज ब्लेंडेड एंड लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। के लिए करते हैं हम लोग ब्लश। सो ब्लश के लिए मैंने ये वाला लिया है, स्विस ब्यूटी वाला, एंड जो ये शेड है ना बीच वाला, आई जनरली यूज़ दिस बिकॉज ये वाला शेड मुझे अच्छा लगता है, एंड द वे आई एम अप्लाइंग सो वियर्ड, कैन यू गाइस सी, ये कितना अजीब सा लग रहा है। एनीवेज, कैन यू गाइस सी, एज यू गाइस कैन सी ठीक ही ठाक लग रहा है, बहुत लाइटली लगाया है। हाईलाइटर के लिए आज हम व्हाइट वाला हाईलाइटर यूज़ करते हैं विद द स्टेप। सो मैंने जस्ट उसको थोड़ा सा लिया, काफ़ी ज़्यादा लग गया है। एनी वेज अप्लाई करते हैं। ओ नॉट बैड, रूटे साइड से ब्लेंड कर दिया है ताकि अच्छे से एटलीस्ट ब्लेंड हो जाए। एनी वेज अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल नहीं लग रहा है, एंड थोड़ा सा अपने नोज पे भी। ऐसा लग रहा है, ज़रूर बताना मुझे। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज आईब्रोज। तो अब बजने वाली है बैंड। सो आई हैव टेकन माय आईब्रो किट, एंड इसमें से जो लाइटेस्ट शेड है दैट इज दिस शेड, तो इसको हम थोड़ा सा ले लेंगे, फिर से ब्यूटी ब्लेंडर के टिप में ही लगाएंगे।
एंड टिप में भी लगाया था मैं, तो ये इतना ज़्यादा अप्लाई हो गया है ना, तो इससे आईब्रोज कैसे फिल होगा, तो इसको ना हम ऐसे कर लेते हैं ना, शायद अप्लाई हो जाए। ओह अप्लाई हो रहा है थोड़ा बहुत, यानी वो ऐसे, लेकिन मुझे प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कुछ होने वाला है, बट ठीक ही ठाक किया है मैंने, लाइक एक्सपेक्टेशन से अच्छा हुआ है। ओह गुड जॉब। तो चलो चले आई शेडो की दुनिया की ओर, एंड आई हैव टेकन दिस न्यूड पैलेट, एंड उसमें से आई एम गोना टेक दिस शेड कॉल्ड टेडी, एंड आई एम जस्ट गोना टेक सम, जिसमें मिरर है तो हम ये वाला मिरर से काम चल, ठीक है। सो आई एम टेकिंग दिस शेड टेडी फिर से ब्यूटी ब्लेंडर के टिप पे, एंड आई होप यू गाइस कैन सी दी आईज राइट नाउ, थैंक्स फॉर द रिफ्लेक्शन। एनी वेज मुझे थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा तो बस दिखी गई। सो बस इतने एरिया पे तो अप्लाई होगा नहीं, तो मुझे पूरे लिड पे अप्लाई करना पड़ेगा। डोंट वरी, हम लोग शिमर शेड लगाएंगे। तो ये मिरर से बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैं ये वाला मिरर यूज़ करती हूँ। आई एम जस्ट गोना टेक द शेड एंड जस्ट अप्लाई। चलो अभी दूसरा वाला शेड लेता है, एंड फॉर टुडे आई एम गोना टेक दिस शेड कॉल फैंटेसी। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल शेड आई मस्ट से, एंड फिर से हम इसको ब्यूटी ब्लेंडर पे ही ले लेंगे थोड़ा सा। एज यू गाइस कैन सी बहुत ही प्यारा शेड है, एंड आई एम जस्ट गोना अप्लाई। फिर मेरे आई शेड ख़त्म ना हो जाए, मुझे ऐसा फील होता है, जबकि मैंने इतना थोड़ा सा अप्लाई किया है, मतलब ब्यूटी ब्लेंडर एब्जॉर्ब कर लेता है ना, सो दैट ब्लेंड उतना अच्छे से नहीं हो रहा है शिमरी शेड। वो नहीं, हाथ नहीं लगाना है तो कैसा चैलेंज हो जाएगा ना। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि मैं ये न्यूड पैलेट से ना एक मस्त वाला आई शेड और लुक क्रिएट करूँ। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट टू सी, एंड या। सो गाइस द नेक्स्ट स्टेप इज़ आई लाइनर, एंड आई लाइनर में मैं कैसे अप्लाई करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से आई लाइनर, आई रियली डोंट नो। बट मैंने सोचा है कि जो मेरा आईब्रो किट है ना, उसमें से ब्लैक वाला शेड आई टेक। ये ब्लैक वाला सिर्फ पड़ा रहता है, आईब्रोज में तो हम लगाते नहीं है, सो ये मेरे पास पड़ा है। सो आई एम गोना टेक दिस, इसमें ये ब्यूटी ब्लेंडर के टिप में थोड़ा सा अप्लाई करके। ये बहुत ज़्यादा अप्लाई हो गया है, कैन यू गाइस सी, दिस इज सो पिगमेंटेड। ये हिलारी रोडा का है बाय द वे, एंड आई एम जस्ट गोना अप्लाई। यार मैंने पूरा यार प्लीज़ कम क्लोजर एंड सी, मैंने ये क्या कर दिया है, मैंने अच्छा खासा आई शेडो लुक को बर्बाद कर दिया। लाइक आई एम फीलिंग सो बैड राइट नाउ, बट एक काम करते हैं, अब इतना बर्बाद हो ही चुका है ना, तो हम एक स्मोकी इफेक्ट दे देते हैं इफ इट मेक्स सेंस। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई कर लिया है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं, इतना हिम्मत ही नहीं है मेरे में, बट ये बहुत पिगमेंटेड है। मस्कारा भी तो अप्लाई करना है ना, ये हम एक आईलाइनर ले लेंगे सबसे पहले। कोई भी आईलाइनर ले लेते हैं, आई विल टेक दिस हैनीटिन का, दिस इज़ माय फैब, एंड इसमें जो टूटा वाला पोर्शन है ना, इसमें हम थोड़ा सा आईलाइनर लगा देंगे लाइक सो, एंड देन आईलाइनर को हम लोग एज अ मस्कारा अप्लाई करेंगे कुछ ऐसे। आई होप यू गाइस कैन सी, तो अप्लाई भी हो रहा है, इट्स लुकिंग क्वाइट गुड। ओ माय गॉड, सफ़र काफ़ी आगे तक आगे बढ़ चुका है। एनीवेज द लास्ट एंड फाइनल स्टेप इज लिपस्टिक ऑफ कोर्स, एंड फॉर लिपस्टिक आई एम गोना टेक लिक्विड लिपस्टिक, एंड जैसा कि मैंने मस्कारा के टाइम टेक्निक लगाया था, सेम हम ब्यूटी ब्लेंडर के टूटे वाले पोर्शन में लिपस्टिक लगा देते हैं लाइक सो। ओह ये अप्लाई हो रहा है, लेकिन मेरा ये लिपस्टिक तो ठीक ठाक लगा है, बट जो मैंने यहाँ पे आईलाइनर लगाया था ना, वो आईलाइनर के साथ मिक्स हो गया है। एनीवेज इतना तो चलता है, एंड या दिस इज माय मेकअप लुक, कैसा लग रहा है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपको ऐसे और चैलेंज वीडियोस देखना है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, एंड ऑल्सो कमेंट में बताना आपको क्या चैलेंज चाहिए, एंड या लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।